अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ डिवाइसेस और मशीन्स को इस्तेमाल करके जो ह्यूमन की ब्रेथ है उसको असिस्ट करवाते हैं या फिर मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर देते हैं। सो अगर देखा जाए तो इट्स मीन कि जो ह्यूमन की ब्रेथ है जब वो सही तरीके से नहीं आ रही होती उसको असिस्ट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं और उन डिवाइसेस को वेंटिलेटर कहते हैं। तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारी ब्रीदिंग जो है वो कंसिस्ट होती है इन्हेलेशन में, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेकर ब्लड के अंदर लेकर जाते हैं और इस प्रोसेस को इन्हेलेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मौजूद है हम उसको आउट करते हैं। सो इट्स मीन कि ए ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑन डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी इंसानी जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी या कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो इट्स मीन वी नीड सम डिवाइसेस टू असिस्ट द ब्रीदिंग। अब इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं? इसके अंदर अगर ब्रॉड कैटेगरी में देखा जाए तो दो टाइप के डिवाइसेस यूज़ होते हैं। नंबर वन इज़ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर एंड सेकंड आर द नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ आईसीयू के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ पोर्टेबल होते हैं, और ये जो येलो कलर का आप वेंटिलेटर देख रहे हैं ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर है जिसको आयरन लंग कहते हैं।